Morning to all of you. Class process costing जो हमारा subject है cost accounting, उसमें हमारा नया chapter start किया था हमने process costing second, उसके हमने कुछ questions देख लिए थे। आज की class में हम एक और process costing second का, जिसमें थोड़ी सी अलग condition दे रखी, उसको discuss करेंगे। Last classes में हमने जिसमें abnormal loss, normal loss की कैलकुलेशन थी वो क्वेश्चन देखा था। आज की क्लास में एबनॉर्मल इफेक्टिव की कैलकुलेशन कैसे होगी, इस टाइप के क्वेश्चन में एबनॉर्मल इफेक्टिव या एबनॉर्मल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो वही सारे स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन आज का कौन सा है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो थर्ड इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। ओके, तो आपको क्या करना है, समतुल्य उत्पादन जो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, सेकंड समतुल्य उत्पादन की प्रति इकाई लागत, आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी, पर यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, सेकंड आप स्टेटमेंट बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एंड आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाना है फर्स्ट सेकेंड। ओके, फिर नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी, नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन अ इन द प्रोसेस ए, नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, एंड नंबर ऑफ यूनिट इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ पीरियड। ओके, तो यहाँ पे 4200 आपने क्या किया, इनपुट किया है, सेकेंड 3200 आपके फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गए नेक्स्ट प्रोसेस में, नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस ऑफ एट द एंड ऑफ पीरियड, इट मीन्स आपका वर्किंग पीरियड दे रखा है ना यहाँ पे, 800 जो यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस की है, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे 80% 70% एंड 70% आपके कंप्लीशन की रेट दे रखी है। ओके, नॉर्मल प्रोसेस लॉस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 400 यूनिट्स, वैल्यू ऑफ स्क्रैप 0.50 पर यूनिट, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 7480, वेजेस 10,680 एंड ओवरहेड्स 7,120। ओके, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीरियसली देखा है ना तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक नई चीज आ जाएगी है ना, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, आपने इनपुट कितना किया, 4200 यूनिट आपका इनपुट है, तो आउटपुट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में आउटपुट में 3200 यूनिट तो आपका फिनिश गुड्स है। ओके, 800 आपकी कौन सी है, जो आपके वर्क इन प्रोग्रेस में, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दे रखा नॉर्मल लॉस एट द एंड, आपको दे रखा कितना नॉर्मल लॉस होता है, टोटल नॉर्मल लॉस होता है 400 का, इट मींस आपके पास जो यूनिट्स आई है वो कितनी है, 4400, आपने इनपुट कितना किया 4200, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गई, इट मींस यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कितना आप करते थे, एबनॉर्मल गेन इसको एज्यूम कर देना, ये हमारे फायदा हो गया, जो हमने एज्यूम किया था इतना लॉस होगा बट एक्चुअल में इतना लॉस हुआ नहीं है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, एक्चुअल में इसकी फाइंड आउट करेंगे इसकी कॉस्ट कितनी है, जो 200 यूनिट्स है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ अपने को यहाँ पे देखनी है। ओके, तो स्टेटमेंट बनाते हैं इसका, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा, जो हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे पूरी, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट इनपुट यूनिट्स, यहां पर जाएगा आउटपुट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है, इसमें दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं, यूनिट्स का परसेंटेज
यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स एंड परसेंटेज, ठीक है। ये अपने को पूरा फॉर्मेट याद रखना, कई जगह बुक में है ना आपको ये दोनों एक जैसे ही मिलेंगे कंबाइन, ठीक है, पर अपने को सेपरेट ही बनाना ज़्यादा इजी रहेगा। अपने नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट कितना हुआ, इनपुट कितना हुआ, तो यहाँ पे आपसे दे रखा है 4200 यूनिट्स आपका इनपुट हो गया। सेकेंड जो चीज़ है आउटपुट है, आउटपुट में क्या हुआ, फर्स्ट आपका नॉर्मल लॉस हो गया, आउटपुट से पहले फर्स्ट आपका नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स 400 है, ओके। और नॉर्मल लॉस होता है इट मीन्स यहाँ पे आपके यूनिट्स के कॉलम में कोई वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ओके, यहाँ पे कोई वैल्यूज आप नहीं करते, ठीक है, एक चीज़ को क्लियर रखें। अगर आपने गलती से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी यूनिट्स की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेकेंड चीज आपका आउटपुट आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका आउटपुट है 3200 यूनिट्स, ओके, और 3000 यूनिट जो आया वो फिनिश गुड्स है, ओके, और फिनिश गुड्स का परसेंटेज हमेशा क्या होगा 100% होता है, तो आपका जो भी फिनिश गुड्स प्रिपेयर हुआ वो 100% है। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू 3200, परसेंटेज 100%, ओके, फिर वापस 3200, परसेंटेज वाइज 100%, 3200 है 100%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्लास में भी हमने इतना सब कुछ। नेक्स्ट जो आपके वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू दे रही है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो अमाउंट दे रखा है 800 यूनिट्स का, ओके, तो 800 यूनिट्स आप ऐड कर दें, वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ परसेंटेज आपको गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है वो परसेंटेज गिवन है, जो फर्स्ट मटेरियल का 80%, ओके, तो 80% 800 का 80% इक्वल टू 640, ओके, 800 का 70% है, 70% दोनों का गिवन है क्वेश्चन में, ओके, तो 70% कितना होगा 560। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल करनी होती है दोनों साइड का, इनपुट और आउटपुट का, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू का डिफरेंस हो गया, ओके, यहाँ पे कितना 4200 यूनिट्स है और यहाँ आपकी यूनिट्स होगी 4400, इट मीन्स क्या हुआ, डेबिट कम हुआ, क्रेडिट साइड की यूनिट्स डिफरेंस हो गया, ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड की ज्यादा यूनिट, इट मीन्स आपको क्या हुआ, गेन हुआ, और कितना गेन हुआ है, तो डिफरेंस कितना दोनों के बीच में 200 यूनिट्स का, तो आप इसको बोलेंगे एबनॉर्मल इफेक्टिव, ठीक है, या गेन, है ना, ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव गेन। तो यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो कितने यूनिट्स होगी, 200 यूनिट्स, ओके, सेम एबनॉर्मल लॉस में परसेंटेज क्या यूज करते, एबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो हम क्या यूज करेंगे, 100%, जो आपका यूनिट्स बनी वो कितने परसेंट वाली है, 100% की है, और यहाँ पे क्वेश्चन में परसेंटेज वाइज देखो परसेंटेज नहीं दे रखा ना, इट मीन्स ये जो यूनिट्स है आपकी वो 100% थी, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 200 को लेस कर दोगे सभी से, ओके, यहाँ पे 100% एज्यूम करके 200 100% वाली, अब सारी को क्या करना है, यहाँ से आपको लेस कर देना है यहाँ से, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको दी है कि इसमें से आपको से लेस कर देना, इट मीन कितनी वैल्यू रहेगी 4200, यहाँ वैल्यू वैल्यूज कितनी रहेगी, टोटल वैल्यू 640, ओके, और यहाँ हो जाएगी 3560, ओके, ये आपकी पूरी टेबल बन जाएगी, फर्स्ट जो टेबल आपको बनानी है, ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम एज इट इज होगा, ये जो आपको प्रोसेस अकाउंट का फर्स्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है, यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, इफेक्टिव गेन होगा तो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एज इट इज चलता है, यहाँ पे आपको जो लेस करने वाली वैल्यूज है कैसे लेस वैल्यूज होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपकी आती है डिफरेंट यूनिट्स का आता है उसको 100% एज्यूम करना है, ओके, जैसे आप नॉर्मल लॉस को ट्रीट करते हो सेम वैसे इसको कैसे ट्रीट करना है, जैसे इफेक्टिव को कर रहे हैं, सेम दोनों में कंडीशन सेम रहेगी, ओके। सेकंड जो हमारा प्रोसेस स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट,
फ्लो होती है। क्लियर है ना इसको? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना तो इस स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है ना, कौन कौन सी चाहिए हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए? तो हमको रिलेटेड कॉस्ट चाहिए, मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल की कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज, है ना, सीधी दे रखी है आपको। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, टोटल आपको दे रखी है, टोटल वैल्यू इक्वल टू मटेरियल की कॉस्ट, देखो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल देखा 7480 रुपीस का। ओके, टोटल मटेरियल देखा 7480 रुपीस का मटेरियल दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉर्मल लॉस हुआ, जो नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो आपको कुछ स्क्रैप वैल्यू भी मिलती है, और स्क्रैप वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी वैल्यू ऑफ स्क्रैप 0.50 पैसा पर यूनिट। ओके, तो आपके पास में जो भी 400 यूनिट्स हुई ना लॉस, उसका 50 पैसा आपको पर यूनिट आपको पैसा भी मिलने वाला है, रिफंड होने वाला। ओके, और कितना अमाउंट मिल जाएगा, 200। ओके, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7680 नंबर ऑफ यूनिट्स की डिवाइड करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा, 3640 रुपीज यूनिट्स से, है ना। अभी हमने फर्स्ट जो टेबल बनाई उससे जो यूनिट्स आई उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यही आ रही ना यूनिट्स, उसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। फिर सेकंड मटेरियल के बाद आपको देखना है लेबर, और लेबर वैल्यू इक्वल टू, तो लेबर वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 10,680 डिवाइड बाय आपकी कितनी जो कॉस्ट दे रखी है लेबर की, तो यहाँ पे 3,560। ओके, इसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू का आंसर आ जाएगा आपका 3 रुपीज। ओके, 3 रुपीज ही आएगा आंसर। नेक्स्ट आपका ओवरहेड्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ओवरहेड्स आपके क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 7,120 डिवाइड बाय कितना यूनिट्स होना, 3560, तो 2 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल 7 रुपीज की कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ तक आ जानी चाहिए। देन आपको क्या करना, स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, जो ठीक है, इक्विवेलेंट एवोल्यूशन, जो भी आप स्टेटमेंट ऑफ एवोल्यूशन बनाएंगे। तो फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, नॉर्मल लॉस लिखना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें, आउटपुट की बात करें या फिनिश गुड्स की बात करें, और एबनॉर्मल इफेक्टिव की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल लॉस तो है नहीं, तीन ही चीज हमें चाहिए। फर्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस की, नॉर्मल लॉस की बात नहीं करते यहाँ। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या हो गया, आपकी जो नंबर यूनिट फर्स्ट यूनिट में आया था वो हमारी यूनिट कितनी थी, 640, है ना। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल भी इतना ही होगा, और कितनी कॉस्ट है उसकी, 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1280 रुपीज मटेरियल की कॉस्ट। सेकेंड लेबर की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट 560 × 3 रुपीज, तो आपकी वैल्यू 680। ओके, नेक्स्ट आपके ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स इक्वल टू 560 इक्वल टू इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1120, तो टोटल कर देंगे तो वो वैल्यू आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की हो जाएगी। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है 3200 यूनिट्स। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 + 2 इक्वल टू 7 रुपीज, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारी चीजें 100% है, इट मीन्स आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 22,400। ओके, ये वैल्यू आ रही। देन इफेक्टिव की बात करेंगे तो इफेक्टिव की बात करें 200 यूनिट्स इफेक्टिव हुआ और 7 रुपीज से, तो 1,400 वैल्यू हो जाएगी। ओके, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, देखें नहीं है ना, और आपकी यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही, 408
4080 ओके सारी चीजें सही लिखे है ना ओके तो यहाँ 4080 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका तीनों के आंसर हो जाते हैं। अब आपको लास्ट अकाउंट प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट फास्ट बना देते हैं अभी। क्लियर है ना सारी चीजें? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सोल्व होना, सारे प्रोसेस अगर आपके प्रिपेयर होंगे तो ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा ओके। सिंपल प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है जो आप हमेशा करते हैं, प्रोसेस अकाउंट इनपुट कितना किया, प्रोसेस सेकंड इनपुट कितना किया, इनपुट मटेरियल ओके। तो मटेरियल आपने कितना इनपुट किया, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन में दे रखा वो अमाउंट दे रखा 7480 है ना, 7480 रुपीज का मटेरियल यूज किया और नंबर ऑफ यूनिट्स यूज की अपने 4200 ओके। फिर क्या हुआ, लेबर लगी है आपकी, वो लेबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 10,680 रुपीज एंड आपकी लेबर क्वेश्चन में दे रखी है ओवरहेड्स, आपकी क्वेश्चन गिवन है और ओवरहेड्स दे रखे 7,120 रुपीज ओके। तो ये आपकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है और आपका एबनॉर्मल इफेक्टिव भी दे रखा है, तो एबनॉर्मल इफेक्टिव हमेशा डेबिट साइड आता है क्योंकि वहीं से और वो कितने यूनिट्स का है, तो 200 यूनिट्स का, और वैल्यू वहां से आपने फाइंड आउट करी ना, 1400 की वैल्यू आप कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे ओके। तो यहां क्या आप टोटल करेंगे तो 4400 यूनिट्स हो जाएगा, वो टोटल करेंगे ओके। देन यहां पे आप चले बाय साइड में आपका आउटपुट या फिनिश गुड्स जो भी है, या फिनिश गुड्स या ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है बी प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर जो यूनिट्स हो रही है वो टोटल यूनिट हो रही है 3200 यूनिट्स हो रही है ओके। और कितनी अमाउंट की होगी तो यहाँ पे 22,400 रुपीज की होगी। आपका वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू इक्वल टू, तो वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू कितनी होगी 4400 यूनिट्स, तो 4080 कर देंगे ओके। और आपका नॉर्मल लॉस कितना है, तो नॉर्मल लॉस आपका कितना है यूनिट है 200 यूनिट्स है, और 200 यूनिट्स है 400 यूनिट कितना यूनिट्स है, देखो नॉर्मल लॉस कितना दे रखा है, नॉर्मल लॉस आपका दे रखा है 400 यूनिट्स का ओके। तो आप टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना 800 है, सॉरी 800, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी आपको 200 रुपये मिल भी रहे हैं स्क्रैप वैल्यू। अब टोटल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर टोटल हो जाएगा 4,426,680, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।